अच्छा, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ रोटेशंस। सबसे पहले हमने नंबर 10 ऐड किया, फिर उसमें नंबर 20 ऐड किया। 20 10 से ग्रेटर देन था तो राइट साइड पर आ गया। फिर जब 15 ऐड किया तो हमारा जो बैलेंस था वो करेक्ट नहीं आया था, -2 में जा रहा था हमारा बैलेंस। हमारा बैलेंस हमेशा -1, 0 या 1 में रहना चाहिए, लेकिन जब 15 इस तरह से ऐड किया तो वो -2 हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए हमने जो है रोटेशन करी के 15 को हमने एक सब ट्री का रूट नोड बना दिया, यानी सब 15 यहाँ पर आ गया और 20 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से रोटेशन करी, यानी कि डबल रोटेशन कहते हैं कि एक एक नंबर पे एक ही रोटेशन करी, फिर दूसरी रोटेशन करी। दूसरी रोटेशन 15 को हमने रूट बना दिया और 10 को हमने उसके लेस देन पे कर दिया और 20 को उसके राइट साइड पे यानी ग्रेटर देन पे कर दिया। फिर हमने ऐड किया नंबर 25। नंबर 25 जब ऐड किया तब भी बैलेंस बिल्कुल करेक्ट जा रहा था। और फिर ऐड किया नंबर 30। जब नंबर 30 ऐड किया तो हमारा बैलेंस सही नहीं हुआ, खराब हो गया। तो फिर इसके लिए रोटेशन करी। रोटेशन क्या करी कि 25 को हम यहाँ पे ले आए और 20 को उसके लेस देन और 30 को उसके ग्रेटर देन पे ले गए। अब ऐड किया है नंबर 16। नंबर 16 जो है जब वो ऐड किया तो हमारी रोटेशन, फिर इसका जो बैलेंस था वो खराब हो गया। इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इस तरह से कुछ बना दिया, ठीक है, कि रू जो 20 था 20 यहाँ पर आ गया, 16 इसके लेस देन था यहाँ चला गया, 25 ग्रेटर देन था यहाँ आ गया, और 30 जो है वो 25 के भी ग्रेटर देन था तो यहाँ आ गया। स्टिल हमारा बैलेंस करेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए फिर हमने क्या किया कि लेफ्ट रोटेशन चलाई, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेशन पे क्या हो गया कि 20 जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और जो 15 है वो उसकी लेफ्ट साइड पे चला गया, क्योंकि 15 जो है वो 20 से लेस देन होता है। और जो हमारा 10 था, 10 15 से लेस देन होता है, तो फिर 10 जो है वो 15 के लेफ्ट पे चला गया, और 20 का जो है वो लेस देन क्या आया था, 16 आया था। तो हमने क्या किया कि 20 से 16 लेस देन था तो इसके लेफ्ट साइड पे भेज दिया, लेफ्ट साइड पे 15 आ रहा था, 15 से ग्रेटर देन था तो हमने 15 की राइट साइड पे भेज दिया। तो ये हमारा हो गया करेक्ट बैलेंस, सही है, इस स्टेप में पूरा हो गया। फिर ऐड किया नंबर 18। नंबर 18 20 से छोटा है, यस। 15 से छोटा है, नो। बड़ा है, यस। 16 से छोटा है, नो। बड़ा है, यस। हमने यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है। हमारा ये पूरा बन गया ग्राफ इस तरह से। फिर जब हमने नंबर 19 ऐड किया तो वो क्या था, 15 से बड़ा, 16 से बड़ा, 18 से बड़ा, 19 आ गया यहाँ पे। हमारा बैलेंस फिर से खराब हो गया। बैलेंस खराब हुआ, हमने फिर से रोटेशन चलाई। क्या रोटेशन चलाई, 18 को जो है वो हम 16 की जगह ले गए, 16 यहाँ पर आ गया लेफ्ट पे, 18 हमारा एक सब ट्री का एज इन रूट नोड बन गया और 19 जो है वो इसके राइट साइड पर आ गया। अब हमारा ट्री बन गया कुछ इस तरह से, जो के कंप्लीट है, ठीक है। एवीएल ट्री हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये 10, 20, 15, 25, 30, 16, 18, 19, ये सारी हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी और ये हमारा एवीएल ट्री हो गया कंप्लीट। अगर टीचर इस तरह का कोई सवाल देती हैं तो लाजमी स्टेप्स में शो करना। अगर डायरेक्ट बना दोगे तो भी मार्क्स हैं, स्टेप में शो करोगे तो लगेगा कि कोई काम किया हुआ है, छापा नहीं है। अच्छा, अब इसका पार्ट ए था कि इन सब को इंसर्ट करो ईवीएल ट्री में और ट्री बनाओ। पार्ट बी था कि 30 नंबर को डिलीट कर दो, ठीक है। तो जब डिलीट करते हैं तो अगर जो नंबर हमें डिलीट करना है वो लीफ नोड है तो हम उसको डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। मुकर्रम, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया।
थोड़ा सही से बता दो क्या क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर दूं। अच्छा ओके एंड में पूछिएगा। अच्छा ये है हमारा 30, इसको हमने करना है डिलीट। सही है, ये लीफ नोट था, हमने इसको कर दिया आराम से डिलीट। सही है, ये हो गया यहाँ से डिलीट, डिलीट हो गया। हमने फिर इसको डिलीट करने के बाद चेक किया हमारा बैलेंस सही है या नहीं है। सही है, एक दफ़ा बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो 16 का बैलेंस, सॉरी क्या है, 0 है, 19 का 0 है, ठीक है। 18 का जो है वो 1-1 यानी 0 है, 18 तक बिल्कुल करेक्ट है। 10 का जो है वो 0 है, इसका भी 0 है। और 15 का जो है क्या है, 15 का बनेगा 0-1-2। सही है, 1-2 आपका आ जाएगा -1, तो -1 भी करेक्ट है। तो ये वाली जगह हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बैलेंस्ड है। अब दूसरी जगह को देखें तो 25 का जो है वो तो 0 है। सही है, 20 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये level 1, 2, 3। सही है, तो क्या हो गया, 3-0 क्या हो गया हमारे पास, 3 आंसर आ गया। तो 3 हमारे पास आंसर नहीं आना चाहिए, -1, 0 या 1 आना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि हमारा बैलेंस करेक्ट नहीं है। अब करेंगे बैलेंस को करेक्ट रोटेशंस करके। अब रोटेशंस क्या करी है कि 18 को इस वाले हिस्से पे हमने चलाई है राइट रोटेशन, ठीक है। ये लेफ्ट पे था, इसको राइट पे लेके जाएंगे। तो 18 को जो है वो हमने बना दिया रूट नोट, ठीक है, यहाँ पे। अब 18 पे रोटेशन चला दी, 20 जो है वो हमारा राइट साइड पे चला गया, और 25 उससे बड़ा था तो वो उसकी भी राइट साइड पे चला गया। 18 हमारा बन गया रूट नॉट। तो 18 के साथ जो है वो हमारी इसकी राइट साइड पे कौन सा नंबर अटैच था, 19 अटैच था। 19 जब राइट साइड पे गया तो उसने देखा ऑलरेडी यहाँ पे 20 नंबर है, 20 से कंपेयर किया तो 20 से लेस देन था, तो यह हो गया। अब इसका दोबारा बैलेंस चेक करें, ये 0 है, 0 है, ठीक है। 1-1, 1-1 आपका आ गया, इसका भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसका जो है क्या आ गया, 2-2, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो गया, एवीएल ट्री, और इसमें नंबर भी डिलीट हो गया, और बाइनरी सर्च ट्री भी इसमें अप्लाई हो रहा है, और एवीएल ट्री भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एवीएल ट्री का टॉपिक भी डन हो गया। आगे और पढ़ना है या आप कल कंटिन्यू करें? आगे ग्राफ है, ग्राफ है और स्पैनिंग ट्री है। एक कह रहे हैं कल पढ़ा दें, एक कह रहे हैं ग्राफ कर लें। अब एक एक का वोट आया, मैं कहाँ पे जाऊं, कल पढ़ाऊं कि अभी ग्राफ करवाऊं। सही है मुकर्रम, बताएं आपका वोट फिर कहाँ पर है, ना पढ़ाने में। सही है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ का वैसे मैं एक ओवरव्यू दे दूं, तो हमने जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो ग्राफ पढ़ा था, ये बिल्कुल वही वाला ग्राफ है जिसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ होता था और डायरेक्टेड ग्राफ होता था। सही है, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। अब फिर एक स्पैनिंग ट्री आता है, तो ग्राफ और ट्री को मिला के हमारा स्पैनिंग ट्री आता है। फिर स्पैनिंग ट्री से हमारे दो एल्गोरिथम्स निकलते हैं, प्रिम्स और क्रूस्कल्स, ठीक है। तो ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
जब तक मैं हैशिंग टेबल भी कर लूंगी तो टाइम मिला तो वो भी पढ़ा दूंगी।